और नीचे अभी फेंसिंग की मैच चल रही है, तो मैं पहली बार कोई फेंसिंग की मैच देख रहा हूँ ऐसे लाइव। तो नीचे अभी चल रही है फेंसिंग की डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच, तो मैं उसी को यहाँ पे शूट करने आया था। और मैं अभी हूँ फ़िलहाल फिज़िकल कॉलेज में, और फिज़िकल कॉलेज में यहाँ पे हर चीज़ की, हर स्पोर्ट की सुविधा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ का उतना कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और नीचे अभी फेंसिंग की मैच चल रही है, तो मैं पहली बार कोई फेंसिंग की मैच देख रहा हूँ ऐसे लाइव। इससे पहले मैंने बस टीवी पे देखा था ओलंपिक्स में, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसका पॉइंट सिस्टम क्या है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ और वीडियोस आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बाहर जाकर शूट कर सकूँ, क्योंकि बाहर एनसीसी वाले अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ की वीडियो मुझे शूट करने दिया जाए इसका बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको काफ़ी कुछ जानने को, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। चिल्लाने का स्टाइल भी, चीयरअप करने का तरीका काफ़ी अलग है, चिल्ला रहे बस। ये क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसा ये लोग करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इनका चीयरअप करने का तरीका बहुत ही अलग है। और नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये मैच पहली बार देख के फेंसिंग का, इससे पहले मैंने आज से कभी भी ये फेंसिंग वाली मैच नहीं देखी थी। पॉइंट सिस्टम मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बस इनका चीयरअप करने का तरीका देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी मैं हूँ फिज़िकल कॉलेज के छत पे, और यहाँ बिल्कुल जंगल बना हुआ है ये छत, और आप शोर अभी भी सुन सकते होंगे नीचे से कितनी शोर आ रही है। और ये देखिए इधर सारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। चलते हैं नीचे, थोड़ी बहुत और शूट करेंगे, फिर एनसीसी वालों की शूट करने की मैं कोशिश करूँगा, अगर हो पाया तो ठीक, वरना फिर निकलेंगे घर के लिए। आज मेनली मैं यहाँ आया था पहले तो इस फेंसिंग वाले मैच को देखने और इसका ब्लॉग शूट करने, और एक और कुछ फेंसिंग के प्लेयर्स थे जिनका हमें इंटरव्यू लेना था हमारे कोच को, लेकिन आज वो प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। अब वो आएँगे 22 तारीख को, तो हम लोग उसी दिन इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, मैं बिन पूछे ये छत पे आ गया हूँ, कोई देखेगा तो ज़रूर मेरे से क्वेश्चंस करेगा, इसीलिए अब मुझे नीचे चले जाना चाहिए। ये देखिए
यहाँ पे फेंसिंग का मैच चल रहा है और दर्शक में यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान आए हुए हैं, वो ये डॉगी भी मैच देखते देखते अब बोर्ड हो चुका है, तो अब मुंह अपना इधर उधर कर रहा है। तो बस यही दिक्कत है यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुख सुविधाएँ हैं, बस मेंटेनेंस की ऐसी की तैसी हो रखी है। दोस्तों मैं पिछले 2.5-3 महीने से स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि पटना में अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसकी कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसकी आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी, या फिर वैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं है या फिर कोचेज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, बस आप कह सकते हो कि व्यवस्था थोड़ा सा ढीला है, लेकिन वो तभी सही हो पाएगा जब आप जैसे और मेरे जैसे प्लेयर्स आगे आएंगे, एक यूनिटी आएगी लोगों में, स्पेशली प्लेयर्स में, तभी गवर्नमेंट का भी ध्यान जाएगा इस तरफ और वो इन सब चीज़ों को सही कर पाएगी, अच्छा कर पाएगी। तो चाहे आप जिस भी स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, अगर आप आगे आएंगे, अगर आप में सच में अंदर वो बात है, अगर सीखने की इच्छा है, चाह है, तो आपको पटना में भी कोचेज़ मिल जाएंगे, वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरीथिंग यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ मौजूद है, तो सब कुछ डिपेंड करता है आप पे और यहाँ के प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। प्लेयर्स यूनिटी नहीं बनाते हैं, और या कह सकते हो कि आप ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे हैं ही नहीं जो कि एक यूनिटी में आकर इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठा पाए। इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों की तरफ उतने अच्छे से ध्यान नहीं देती है, क्योंकि भीड़ बहुत कम है यहाँ पे स्पोर्ट्स के मामले में। बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि पटना से हैं और जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखाते हैं। तो अगर एक बार सारे प्लेयर्स आगे आएंगे, सारे स्पोर्ट्स पर्सन आगे आएंगे और पटना एक स्पोर्ट्स हब के रूप में निखर सकता है, बिहार का स्पोर्ट्स हब एक बन सकता है और बिहार भी स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो ये ब्लॉग यहीं तक था, बहुत ही छोटा सा ब्लॉग था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, और भी कई सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर भी आने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मैं आगे जो भी ब्लॉग डालूँ, अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।